नकबजनी की वारदात में शामिल दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया। नौगावा थानाधिकारी सुनील टाक ने बताया कि 26 जून को पंजाबी मार्केट नौगावा निवासी यशपाल पुत्र बेगराज सैनी ने नौगावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई की। 24 जून की रात को अज्ञात व्यक्ति उनके घर से लोहे की संदूक चोरी कर ले गया, जिसमें 2000 रूपए, आधा किलो चांदी के जेवर, मकान की रजिस्ट्री तथा जरूरी कागजात रखे हुए थे। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। टीम का गठन कर जांच शुरू की गई। गश्त के दौरान अनुसंधान अधिकारी ASI विनोद कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा के पास खड़े हैं। मौके पर पहुंचे तो मुखबिर के बताए हुलिया अनुसार दो व्यक्ति खड़े थे, जिन्होंने थाने ले जाकर पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर दोनों मुजलिमों ने नौगावा कस्बे में यशपाल सैनी के मकान से चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। मुलजिमों ने बताया कि वह दिन में सूने मकानों की रेखी करते हैं और रात्रि में घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार मुजलिमों में से एक में अपना नाम संजय पुत्र शिवलहरी निवासी नौगावा तथा दूसरे ने अपना नाम शंकर पुत्र बाबूलाल सैनी निवासी भादरपुर बताया। दोनों मुजलिमों से पूछताछ जारी है। इनमें चोरी और भी वारदातें खुलने की संभावना है। थाना स्तर पर गठित टीम ने नौगावा थाना अधिकारी सुनील टाक, ASI विनोद कुमार, कांस्टेबल राजवीर व नरेंद्र शामिल रहे। यशपाल सिंह पुत्र श्री बैराग निवासी नौगावा ने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरा मकान रात्रि में सुनना था और 26 तारीख को और 24 तारीख के दिन मेरे मकान में घुसकर और संदूक में से कुछ पैसे और सोने चांदी के जेवरात लेकर के कोई चोर जो है वो चोरी करके ले गया। मैं नकबजनी की धारा में मुकदमा दर्ज किया। दिनांक 15/7 को दौरान गश्त अनुसंधान अधिकारी को मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ व्यक्ति हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं, जिस पर उन व्यक्तियों को लाके पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने थाना आ जाए कि वारदात स्वीकार की और बताया कि वो चोरी जो है हमने की थी, जिन पर दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम इस प्रकार है। एक का नाम है संजय पुत्र शिवलहरी, उम्र 22 साल, जाति नाई, निवासी नौगावा अलवर। दूसरा है शंकर पुत्र बाबूलाल, उम्र 22 साल, जाति सैनी, निवासी भादरपुर, थाना सदर अलवर। दोनों ही अभी पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं और भी वारदातें करना है उन्होंने स्वीकार किए, जिनसे पूछताछ जारी है।